हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे कि शलजम जो होता है वो अस्थमा यानी कि दमा रोग के रोगियों के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, जिन लोगों को अस्थमा यानी कि दमा रोग की समस्या है, उन लोगों के लिए शलजम का सेवन करना अमृत के समान औषधि के रूप में काम करता है। फ्रेंड्स, हालांकि शलजम बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और इसमें बहुत सारे ऐसे औषधीय गुण होते हैं, इसके साथ ही बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में काफ़ी मदद करते हैं। लेकिन यदि हम अस्थमा यानी कि दमा रोग की अगर बात करें तो दमा रोगों के मरीजों के लिए ये अमृत के समान औषधि का काम करता है। यानी कि जिन लोगों को दमा की समस्या है या सांस संबंधी बीमारियां हैं, उनको ज़रूर शलजम का सेवन करना चाहिए। शलजम में एंटी इन्फ्लामेटिक होता है, इसके साथ ही इनमें एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में होता है जो कि फेफड़ों से सांस का जो आवागमन है उसको साफ करता है। शलजम का नियमित सेवन करने से फेफड़ों संबंधित कोई भी समस्या नहीं होती है। और यदि आपको इस तरीके की कोई भी समस्या है तो आप शलजम का सेवन करना शुरू कर दीजिए। शलजम का सेवन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। यदि आप नियमित रूप से शलजम का सेवन करते हैं तो अस्थमा और के रोगियों के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। इसके साथ ही जिन लोगों को सांस संबंधित बीमारी है, जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, तकलीफ़ होती है, उन लोगों के लिए भी शलजम का सेवन करना बहुत ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप शलजम का सेवन नहीं करते हैं तो इसका सेवन करना शुरू कर दीजिए। ख़ास तौर पर जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी है, उन लोगों के लिए शलजम का सेवन करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।